हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी तरीके से पका करके मुंह में घुल जाने वाली सब्जी, जो है आलू और गोभी की। जब भी हम शादी या पार्टी में खाना खाने जाते हैं, तो जब हम वहाँ आलू और गोभी की सब्जी खाते हैं, तो हमको लगता है कि ये कितनी अच्छी बनाई हुई है, और हम आकर के घर पर कोशिश करते हैं, लेकिन हमसे वैसा स्वाद बिल्कुल भी नहीं बैठता है। तो आइए आज मैं बताती हूँ कि उस सब्जी को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने टमाटर ले लिए हैं, साथ में मोटे मोटे फूल गोभी के काट लिए हैं। गोभी को बारीक बिल्कुल नहीं चॉप करना है, आपको फूल को मोटा ही काटना है। साथ में प्याज ले लिए हैं, और उसके बाद मैंने देखे मोटे आकार में आलू काट लिए हैं, और साथ में ले लिए हैं कुछ कलियां लहसुन की। उसके बाद मैंने चढ़ा दिया है पैन, और पैन में डाल दिया है सरसों का तेल, क्योंकि मैं हमेशा खाने में सरसों का तेल इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दी है गोभी, और गोभी को मैं बहुत अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। और उसमें डाल दी है मैंने थोड़ी सी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डाल देने से क्या होता है कि गोभी में कलर बहुत सुंदर आ जाता है, और ये सब्जी में जब हम उसको डालते हैं तो गोभी हमको सब्जी में सफ़ेद दिखाई नहीं देती है। और फिर धीरे धीरे करके मैंने सारी, जब गोभी फ्राई हो गई है तो मैंने उसको निकाल लिया है, और उसी तेल में हम जो ये मैंने मोटे मोटे आलू काटे थे, मैं आलू को बहुत अच्छी तरीके से मीडियम फ्लेम पर, फ्लेम आपको मीडियम ही रखना है। और देखिए इस तरीके से जब मेरे आलू फ्राई हो गए, तो मैंने इसको भी तेल में से बहुत अच्छी तरीके से निकाल लिया है। आप जब तेल का काम करें तो आप थोड़ी सावधानी ज़रूर बरतें। उसके बाद मैंने ये 2 से 3 प्याज ले लिए थे लंबे लंबे काट करके, और मैंने डाल दिया है इसको तेल में। साथ में डाल दिया मैंने सूखी लाल मिर्च, लहसुन की कुछ कलियां, साथ में डाल दिए हैं 7 से 8 काजू, और उसके बाद डाल दिया था मैंने ये चॉप करे हुए टमाटर। और इनको हमको बहुत ही अच्छी तरीके से लीड लगा करके सेप पका लेना है। देखिए इस तरीके से अब ये कम से कम 4 से 5 मिनट तक बहुत ही अच्छी तरीके से मीडियम फ्लेम पर पक गए हैं। आप देखिए इसी तरीके से आपको इसको पकाना है, और आपको फ्लेम बिल्कुल तेज़ नहीं रखना। आपने ढक्कन लगा दिया और आपके ध्यान से उतर गया और वो पूरा चिपक जाएगा, आपको बिल्कुल गैस के पास से हटना नहीं है। जब भी आप खाना बनाते हैं, आप वहीं पर खड़े होकर के खाना बनाएं। और उसके बाद देखिए मैंने इस सारे मसाले को कर लिया है ठंडा, और डाल दिया है जार के अंदर। अब मैं इसका बहुत ही अच्छी तरीके से फाइन पेस्ट बना लूँगी। देखिए इसी तरीके से आपको इसका थोड़ा सा पानी डाल करके फाइन पेस्ट बना लेना है। कर लिया है पैन में फिर से तेल गरम, साथ में डाल दिया है जीरा, तेजपत्ता डाला है, गरम मसाला डाल देंगे हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसमें थोड़ा गरम मसाला ऐड कर दिया है, और उसके बाद देखिए जो मैंने फाइन पेस्ट बनाया था, अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर। और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसको धीरे धीरे करके डालना है, क्योंकि तेल गर्म रहता है, तो तेल आपको मीडियम फ्लेम करके ही इसको सारे मसाले को डालना है, क्योंकि तेल बहुत बार बाहर उछल करके भी आ जाता है। तो आप अपना हाथ बचाते हुए, और इस तरीके से जो मैंने मसाला बनाया था वो डाल दिया। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी तेज वाली लाल मिर्च डालनी है, मैं हमेशा यही इस्तेमाल करती हूँ, तो मैंने तेज वाली लाल मिर्च डाल दी है पीसी हुई। साथ में डाल दी थी हल्दी पाउडर, और उसके बाद डाल दिया है धनिया पाउडर, और साथ में डालूंगी मैं इसके अंदर थोड़ा सा जीरा और काली मिर्च का पिसा हुआ मैं ड्राई पीस करके रखती हूँ। और साथ में डाल दिया है मैंने इसमें गरम मसाला, और आपको बहुत ही अच्छी तरीके इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से पका लेना है धीरे धीरे करके। और देखिए धीरे धीरे करके ये जब हमारा पकने लग गया है, और इसमें से आपको दिखेगा थोड़ा थोड़ा तेल रिलीज होने लग गया है। साथ में डाल दूंगी मैं इसमें जो मैंने गोभी फ्राई करी थी, और उसके बाद डाल दूंगी मैं इसमें आलू, और हमको इसको बहुत ही अच्छी तरीके से, और उसके बाद मैंने डाल दिया इसके अंदर 1 कटोरी मटर, और हम इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और उसके बाद वापस हम इसमें ढक्कन लगा करके अच्छी तरीके से इसको मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। अगर आप इसको सूखा खाना चाहते हैं, आप इसको बिना ग्रेवी के खाना चाहते हैं, तो आप इसी तरीके से ये खाने के लिए बिल्कुल हो गया है रेडी। साथ में डाल दी थी मैंने इसमें 2 से 3 हरी मिर्च, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और मैं आज इसको ग्रेवी वाली बनाऊंगी, तो इसलिए इसमें मैंने डाल दिया है गर्म पानी। आपको थोड़ा सा गर्म पानी साइड में करके रखना है, और आप गर्म पानी डालें तो सब्ज़ी हमारी जल्दी बनेगी। और फिर उसके बाद मैं इसको वापस 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी, और तब तक मैं काट लेती हूँ बारीक बारीक धनिया। धनिया आपको डंठल के साथ ही काटना है, बहुत लोग पत्तियाँ छाट करके डाल देते हैं, इससे इसमें बिल्कुल भी खुशबू नहीं आती है, तो आप इसको डंठल सहित ही डालें। और देखिए सब्जी हमारी बन करके करीब करीब तैयार होने वाली है, और ये देखिए ये हो गई है बिल्कुल रेडी खाने के लिए। और अब इसका आ गया है फाइनल टच देने का टाइम, और साथ में मैंने डाल दिया इसमें 1 चम्मच देसी घी। आप एक बार देसी घी डाल करके और धनिया डाल करके इसको बना करके देखें, इस तरीके से जिस तरीके से मैंने बनाया है, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, और अगर आप किसी मेहमान को खिलाएंगे तो आपके साथ साथ वो भी उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो बताइए कैसी लगी मेरी ये डिश, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को